to start this new lesson. I would like to thank few people. Barrel V, thanks for commenting on my pronoun video. And next one is Thirumurugan. Thirumurugan has commented in twice in my subject and predicate video. Thanks for commenting, and I replied him. And thank you. Please share with your friends. Thank you, Thirumurugan. Thirumurugan again commented on my another video. Thanks for commenting on my pronoun video. Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel, China for Spells. दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ. आज हम एक नया ग्रामर का लेसन सीखेंगे. आज का जो लेसन है मेरे दोस्तों, ये बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट लेसन है दोस्तों. आज का लेसन क्या है ये देख लेते हैं. आज का लेसन है दोस्तों इट. जी हाँ, इट. इट जो है दोस्तों एक प्रोनाउन है दोस्तों. प्रोनाउन की मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी जो लेसन नंबर 6 थी. आज का जो हमारा वीडियो है दोस्तों, ये लेसन नंबर 7 है दोस्तों. इट जो है लेसन नंबर 7 है. इसको हम हिंदी में कहें तो सर्वनाम कहते हैं, और उर्दू में कहें तो इसमें जमीर कहते हैं. ये जो है प्रोनाउन में जमता है दोस्तों, लेकिन मैंने प्रोनाउन में इसका कुछ भी नाम नहीं लिया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि इसकी इट की जो है एक सेपरेट वीडियो बनाऊं. आपको पूरे 10 कॉन्सेप्ट्स जो है इट के, 10 कॉन्सेप्ट है. इन 10 कॉन्सेप्ट को मैं अच्छी तरह क्लैरिटी से और अच्छी तरह समझाऊं आप लोगों को. तो दोस्तों हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और इसके लेसन को अच्छी तरह से समझते हैं दोस्तों. अगर हिंदी में कहूं तो इट का मीनिंग होगा यह, और उर्दू में कहूं तो वो या ये होगा. तो दोस्तों इसके ये एक मीनिंग नहीं है. हर जगह जो है, हर जगह जिस भी सेंटेंस में आप देखेंगे तो हर जगह सेंटेंस के हिसाब से इसका मतलब जो है, मीनिंग जो है बदलेगा, मानी जो है बदल कर आएगा. तो हम अच्छी तरह इसको समझेंगे आज. तो आगे बढ़ते हैं आज के लेसन पर. आज का हमारा पहला कॉन्सेप्ट है वेयर वी कैन यूज इट. इट का जो इस्तेमाल है हम कहाँ कर सकते हैं. पहला जो है टाइम, वक्त के लिए इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा जो है डे यानी कि दिन के लिए इस्तेमाल करेंगे, तीसरा जो है मंथ बताने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ईयर साल के लिए इस्तेमाल करेंगे, सीजन या वेदर मौसम के लिए हम इस्तेमाल करेंगे. दोस्तों इट का इस्तेमाल जो है दो तरीकों में होता है. पहला तरीका जो है इंट्रोडक्टरी के रूप में होता है दोस्तों. इंट्रोडक्टरी के रूप में इसका इस्तेमाल होता है. और दूसरा जो है प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल होता है. प्रोनाउन के हिसाब से इस्तेमाल होता है, और दूसरा जो है इंट्रोडक्टरी के रूप में इसका इस्तेमाल होता है. दोस्तों ये क्या है मैं फिर भी आपको डिटेल से बताऊंगा. जैसे जैसे हम इस लेसन के आगे आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे मैं आपको हर तरह के मीनिंग बताऊंगा इसके, किस जगह किस मीनिंग पर आता है, किस मतलब पर आता है वो भी बताऊंगा. तो वीडियो को स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरी तरह डिटेल से देखें, ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट जो है बारीकी से अच्छी तरह समझ आ जाए. तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों. आज का पहला कॉन्सेप्ट है मेरा डे एंड डेट. डे एंड डेट के लिए, दिन और तारीख बताने के लिए इट का इस्तेमाल किस तरह करते हैं दोस्तों. पहला एग्जाम्पल है हमारा इट इज फ्राइडे. आज जुम्मा है. यहां पर दोस्तों इट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, लेकिन हम इट यहां पर इस्तेमाल करना जरूरी है. एज ए प्रॉपर ग्रामर जो है इंग्लिश में, उस हिसाब से हम डे और टाइम, डे और डेट के लिए इट का इस्तेमाल करना जरूरी है. क्योंकि अगर हम इट का इस्तेमाल ना करें, बस हम इतना पढ़ा जाए आज जुम्मा है, इज फ्राइडे टुडे, तो सेंटेंस जो है कंप्लीट नहीं होगा. इसीलिए सब्जेक्ट को हम इस सेंटेंस में लाते हैं. इट जो है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है दोस्तों. इट एज ए इंट्रोडक्टरी के रूप में हम इसको इस्तेमाल करते हैं. इट इज फ्राइडे, आज जुम्मा है. तो देखते हैं दोस्तों अपना दूसरा सेंटेंस क्या है. इट वॉज सैटरडे, हफ्ता था. हफ्ते का दिन था. इट वॉज सैटरडे. तो तीसरा सेंटेंस आज हम अच्छी तरह देखते हैं दोस्तों. अच्छी तरह हम हर सेंटेंस को जो है हमें अच्छी तरह समझना बहुत बहुत जरूरी है. बच्चों आप गौर कीजिए मेरे वीडियो पर. इट वॉज 1920 फिफ्थ
20, वो 1920 फ़रवरी 20 का तारीख था यानी के वाज, इट वाज 1920 फेब 20। ओके, समझ आई बात। जो है 1920 का फ़रवरी 20 तारीख था। यहां पर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। इट इज 8 मार्च टुडे, आज मार्च की 8 तारीख है। यहां पर मैंने कहा था यानी के वाज, यानी के वाज का मतलब जो है पास्ट टेंस है दोस्तों, इसलिए हमने था का इस्तेमाल किया था। अब जो प्रेजेंट में है जो इज का इस्तेमाल किया हूं, आज मार्च की 8 तारीख है। ओके, तो हम आज मार्च की 8 तारीख है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बच्चों, गौर कीजिए। इट इज द 8th ऑफ मार्च टुडे, आज मार्च की 8 तारीख है। समझ आई बात। तो बढ़ते हैं आज दोस्तों के हम आगे। इस वीडियो के दूसरे कॉन्सेप्ट पर। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? वेदर, सीजन। सीजन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, वेदर के लिए। तो यहां पर भी इट एज ए इंट्रोडक्टरी के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। तो गौर करते हैं बच्चों, गौर कीजिए। इट वॉज स्प्रिंग, स्प्रिंग यानी कि वसंत, हिंदी में हम इसको वसंत कहते हैं और उर्दू में इसको मौसमे बहार कहते हैं बच्चों। इट वॉज स्प्रिंग, मौसमे बहार का, वो मौसमे बहार था, वो मौसमे बहार था। मौसम यानी कि यहां पर मैं सीजन लिख सकता हूं दोस्तों, मगर मैंने लिखा नहीं। इट वॉज स्प्रिंग सीजन, आप चाहो तो लिख सकते हो या ना, तो आप चाहो तो ना भी लिख सकते हो। तो इट वॉज स्प्रिंग, वो वसंत ऋतु था। इट वॉज ऑटम, ऑटम यानी के उर्दू में हम इसको मौसमे खजां कहते हैं। इट वॉज ऑटम, वो मौसमे खजां था यानी के था, पास्ट टेंस। और हिंदी में हम कहेंगे वो पतझड़ का मौसम था, पतझड़ का मौसम था। इट वॉज ऑटम। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने इस लेसन, अपने इस कॉन्सेप्ट के तीसरे सेंटेंस पर, तीसरे एग्जाम्पल पर। इट इज वेरी कोल्ड टुडे, यहां पर जो है दिन का इस्तेमाल हुआ है एज ए इंट्रोडक्टरी के रूप में। आज बहुत, वेरी यानी कि बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। यहां पर मैंने वो का इस्तेमाल किया था, यहां पर मैंने कुछ इस्तेमाल नहीं किया। यहां पर एज ए सब्जेक्ट, हिंदी में जो है, हिंदी और उर्दू में यहां पर मैंने कुछ भी इसका मतलब नहीं बताया, क्योंकि ये एज ए इंट्रोडक्टरी के रूप में इस्तेमाल हो रहा है इस सेंटेंस में। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, गौर कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। बच्चों गौर कीजिए, बारिश हो रही, ing फॉर्म जो है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वर्ब की, वो है यहां पर, इसलिए बारिश हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। इट इज हेलिंग, हेलिंग, हेलिंग का मतलब होता है बच्चों ओले पड़ना। उर्दू और हिंदी में दोनों को ओले, ओले जो है, ओले बरसना या पड़ना, पढ़ते हैं, ओले पड़ रहे हैं, ओले पड़ रहे हैं, ओले बरस रहे हैं, दोनों का मीनिंग जो है सेम है बच्चों। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है बच्चों? इट इज स्नोइंग, इट इज स्नोइंग, इट इज स्नोइंग। स्नोइंग का मतलब क्या है बच्चों? बर्फ गिरना, बर्फबारी होना, हो रही है, बर्फबारी हो रही है। उर्दू में जो है बर्फबारी हो रही है, हिंदी में जो है बर्फ गिर रही है। तो दोनों में डिफरेंस है दो बच्चों, गौर कीजिए। उर्दू में क्या कहते हैं? बर्फबारी हो रही है, हिंदी में जो है बर्फ गिर रही है। बच्चों इस सेंटेंस में अगर मैं आप और गौर करें तो, और बारीकी से और नजदीक से देखें, तो ये जो है हेलिंग का मतलब होता है बर्फ के जो है डल्ले होते हैं गोल गोल यानी कि भारी, जो आइस क्रिस्टल होते हैं, इसको हम हेलिंग कहते हैं। स्नो जो होते हैं वो बर्फ के छोटे छोटे खतरे खतरे
जो होते हैं छोटे छोटे पीसेस, उसको हम स्नोइंग कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है बच्चों, आपको अच्छी तरह डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं। इट वॉज क्लाउडिंग, इट वॉज क्लाउडिंग यानी के अबर जो है घेरे हुए थे, अबर घेरे हुए थे। अगर हिंदी में कहूं तो बादल घेरे हुए थे, अगर उर्दू में कहूं तो अबर आलूद हो गए थे, यानी कि घेरे हुए थे। इट वॉज क्लाउडिंग, थे मैंने कहा था थे, यानी कि पास्ट टेंस वॉज। और नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? इट वॉज इवनिंग, वो शाम थी, वो शाम थी यानी के पास्ट टेंस। हिंदी और उर्दू में जो है दोनों को शाम ही कहते हैं बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। तो बच्चों गौर कीजिए, अब जो है हम इट की जो है कॉन्सेप्ट नंबर 3 यानी के टेलिंग टाइम, वक्त बताने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। इसको हम आप मैं चाहता हूं कि आप अच्छी तरह गौर करके, अच्छे गौर से और पूरे ध्यान जो है इस वीडियो में लगाकर अच्छी तरह समझ लें। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी यानी कि डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाला कॉन्सेप्ट है। तो आप इसको, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे गौर से समझ लें, ताकि आपको हमेशा के लिए ये अच्छी तरह ध्यान में बैठ जाए और आप इसका इस्तेमाल कर सके अपने डेली लाइफ में। तो टेलिंग द टाइम, वक्त बताने के लिए, द फॉलोइंग आर सम एक्सप्रेशंस दैट आर यूज्ड टू टेल द टाइम। नीचे चंद एक्सप्रेशंस दे गए हैं, चंद जुमले दे गए हैं जिसको हम वक्त बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बच्चों गौर कीजिए, मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा जो कि आपको कभी भी वक्त या बताना हो या फिर आपको सुनना हो या फिर आपको पूछना हो, उस वक्त जो है इस 3 बातों का आपको अच्छी तरह ख्याल रखना चाहिए, याद होना चाहिए। तो पहला बात है बच्चों आफ्टर और पास्ट। जब भी कोई इंसान या वक्त बताते हैं या आप किसी को बोलते हैं तो आप पूछते हैं या बोलते हैं तो आप सामने वाला बंदा या आप आफ्टर या पास्ट का इस्तेमाल करें तो वो बात आप समझ लीजिए कि मिनट्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं, उस वक्त जो है वो जो है कंप्लीट हो चुका है, पास्ट है यानी कि हो चुका है, आफ्टर बाद में, ओके बाद यानी कि हो चुका है, कंप्लीट मिनट्स जो है कंप्लीटेड हो चुके हैं। तो और आगे बढ़ते हैं बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? टू का इस्तेमाल। अगर सामने वाला आपसे पूछे और आप बताएं या आप किसी से पूछे वो आपको बताए तो इस बात का ख्याल रखिए टू यानी कि मिनट्स कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि वक्त जो है मिनट जो है कंप्लीट नहीं हुआ, होने को है, होने को है, उस वक्त जो है हम टू का इस्तेमाल करते हैं। ये कब और कहाँ इस्तेमाल करते हैं ये भी मैं बताऊंगा बच्चों, आप गौर से इस वीडियो को देखिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो अब तीसरा बात समझते हैं बच्चों, सम टाइम, कुछ वक्त, मिनट्स वर्ड जो है नॉट कंपल्सरी टू मेंशन। चंद जगहों पर, चंद जगह जब हम वक्त बताते हैं यानी कि टाइम आप किसी और को बोलते हैं तो उस वक्त जो है मिनट्स बता भी सकते हैं या ना भी बता सकते हैं, ये आप पर निर्भर है कि आप किस तरह बताएंगे ताकि आपको सामने वाले को अच्छी तरह समझ आ जाए। ओके तो गौर करते हैं बच्चों, अब हम इसको एक एक सेंटेंस, एक एक टाइम बताऊंगा और आपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, इस तरह से आप वक्त बता सकते हैं बच्चों। ओके अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट टाइम इज इट, वक्त क्या हुआ है, व्हाट टाइम इज इट, वक्त क्या हुआ है, तो उस वक्त जो है आपको वक्त बताना है। तो अंग्रेजी में आप वक्त जो है किस तरह बता सकते हैं ये मैं बताता हूं बच्चों, गौर कीजिए। 7 o'clock, 7 बजे हैं तो इट्स 7 o'clock हम कह सकते हैं, इट्स अपॉस्ट्रफी यस है बच्चों, गौर कीजिए, इट्स 7 o'clock अपॉस्ट्रफी यस यानी के कॉन्ट्रेक्शन, कॉन्ट्रेक्शन किसका है बच्चों? इट इज का, इट इज का जो है आई के बदले में हम कॉन्ट्रेक्शन कमा लगाते हैं बच्चों, 7 o'clock कह सकते हैं।
या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं, इट इज 7 AM और PM। अगर आप सुबह के हैं तो इट इज 7 AM, सुबह के 7 बजे हैं। ओके, अगर रात के हो या फिर शाम के हो तो इट इज 7 PM। PM बता सकते हैं बच्चों, आप ये बात अच्छी तरह समझ लें, दो तरीकों से हम बता सकते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 12 o'clock यानी कि 12 बजे हैं, 12 बजे हैं, तो आप किस तरह कह सकते हैं, आपके 12 नहीं बजे, मेरे बज रहे हैं, आप गौर से सुने। हाँ, फिलहाल तो मैं मजाक कर रहा था, आप गौर करें। इट्स 12 o'clock यानी कि इट्स 12 o'clock, 12 बजे हैं। ओके, इट्स नून और मिड नाइट, आप इस तरह भी कह सकते हैं इट्स 12 o'clock, या फिर इस तरह भी कह सकते हैं इट्स नून और मिड नाइट। नून यानी कि दोपहर, दोपहर के 12 बज चुके हैं, यानी कि मिड नाइट यानी कि रात के 12 बज चुके हैं। ओके, रात के 12 के लिए हम इसको, इसका इस्तेमाल किस तरह करेंगे, इट्स मिड नाइट यानी कि इट इज मिड नाइट भी कह सकते हैं, इट्स मिड नाइट भी कह सकते हैं, उसी तरह इट्स नून भी कह सकते हैं, इट इज नून भी कह सकते हैं। दोपहर के लिए नून और रात के लिए 12, आधी रात के लिए। ओके, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है बच्चों, 3:10 यानी कि 3:10 होना, उस वक्त जो है हम वक्त किस तरह बता सकते हैं, ये भी गौर करिए बच्चों, गौर से सुनिए। यहां पर आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगा, पॉइंट्स जो है पहले बताए थे उसका इस्तेमाल यहां पर कर रहा हूं, गौर से देखिए। इट इज 10 minutes after 3, 3 होने के बाद यानी कि आफ्टर, 3 होने के बाद 10 मिनट है, 3 होकर 10 मिनट है, होकर यानी कि 10 मिनट हो चुके हैं, इसलिए मैंने आफ्टर का इस्तेमाल किया। इट इज 10 minutes after 3, 3:10 हो चुके हैं। ओके, है यानी कि इज, अंग्रेजी में हैंग या है के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इस तरह से भी हम 3 के लिए हम बता सकते हैं, 3:10 के लिए हम इस तरह भी बता सकते हैं। इट्स 10 minutes past 3 यानी कि 3 बज चुके हैं, पास्ट 10 मिनट्स। ओके, इट्स 10 minutes past 3, 3:10 हो चुके हैं। यहां पर मैंने आफ्टर का इस्तेमाल किया था, इस तरह भी कह सकते हैं, यहां पर मैंने पास्ट का इस्तेमाल किया, पास्ट का इस्तेमाल किया, इस तरह भी आप कह सकते हैं। इट इज 10 मिनट्स यानी के आफ्टर थ्री, इट्स 10 मिनट्स आफ्टर 3, 3:10 हो चुके हैं। इट्स 10 मिनट्स पास्ट 3, 3:10 हो चुके हैं। दो भी आपको दोनों तरीके से बता सकते हैं। और तीसरा तरीका है बच्चों, ये भी गौर कीजिए, मैंने तीसरा पॉइंट जो बताया था उस पर भी आप गौर करें। तीसरा पॉइंट क्या था बच्चों, इट्स 3:10 यानी के 3:10, 3:10 इस तरह से भी आप कह सकते हैं, इट्स 3:10। मिनट्स का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये आप पर निर्भर है बच्चों, आप किस तरह बताना चाहते हैं। इस तरह आप शॉर्ट में भी बता सकते हैं, या फिर इस तरह भी आप बता सकते हैं, इट्स 10 minutes past 3 यानी के 3:10 हो चुके हैं, यानी कि इट्स 3:10, ये भी 3:10 हो चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है बच्चों, 4:50 हो चुके हैं, 4:50, इट्स 10 minutes to 5, 5 होने के लिए 10 मिनट है। यहां पर मैंने 2 का इस्तेमाल किया है, 2 का इस्तेमाल किया क्यों किया है बच्चों, यानी कि 5 अभी तक नहीं हुआ है, होने वाला है, इसलिए हम मैंने 2 का इस्तेमाल किया। इट्स 10 minutes to 5, 5 होने के लिए 10 मिनट बाकी हैं, होने के लिए, इसलिए मैंने 2 का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर भी गौर कीजिए बच्चों, इस तरह से भी हम कह सकते हैं, 5:50 के लिए हम इस तरह से भी कह सकते हैं, इट इज 4:50, 4:50, 4:50 है, वक्त क्या है अब, 4:50 है।
बच्चों गौर कीजिए, यहां पर मैंने मिनट्स का जो है इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए यहां पर इट इज 4:50 मैंने कहा जस्ट। आप इस तरह से भी कह सकते हैं बच्चों, इट्स 10 to 5, यानी कि 5 होने के लिए 10 मिनट बाकी हैं, मिनट्स का इस्तेमाल नहीं किया, इट्स 10 to 5। तो गौर कीजिए बच्चों, ये जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है बच्चों। अब गौर करिए बच्चों, अब जो है हम 6:30 यानी कि 6:30 के लिए हम किस तरह अंग्रेजी में कह सकते हैं, वक्त बता सकते हैं, इट्स 6:30। यानी कि यहां पर गौर कीजिए बच्चों, यहां ने मैंने 30 मिनट्स का इस्तेमाल नहीं किया, यहां पर क्या किस तरह इस्तेमाल किया मैंने, 6:30 यानी कि 6:30 हो चुके हैं, 30 के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हाफ, हाफ का इस्तेमाल करेंगे बच्चों। गौर कीजिए, इट्स 6:30, पास्ट यानी के हो चुका है, 6:00 आधा घंटा जो है हो चुका है, इसलिए हम इस तरह बता सकते हैं अंग्रेजी में। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, इस तरह भी हम कह सकते हैं, इट इज 6:30, इट इज 6:30, 6:30 हो चुके हैं, 6:30 हैं। यहां पर इट का इस्तेमाल कैसा हुआ है बच्चों, यहां पर इट इंट्रोडक्टरी के रूप में इस्तेमाल हो रहा है बच्चों, गौर कीजिए। अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बच्चों, इस तरह से भी हम बता सकते हैं, इट्स 6:30, यानी कि 6 होकर आधा घंटा जो है हो चुका है, आफ्टर यानी कि हो चुका है, बाद 6 होने के बाद, यानी कि बच्चों समझ आई बात आपको। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 9:15, 9:15 के लिए हम किस तरह अंग्रेजी में टाइम बता सकते हैं, इट्स ये का इस्तेमाल आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, इसलिए मैंने ब्रैकेट में इस्तेमाल किया है बच्चों, इट्स 9:15 यानी कि 9 बजकर, पास्ट यानी कि 9 बजकर, क्वार्टर को जो है क्वार्टर यानी कि 15 मिनट के लिए कहते हैं, 30 मिनट के लिए हम क्या कहते हैं बच्चों, मैंने कहा था हाफ, हाफ का इस्तेमाल किया था, यानी कि 9:30 के लिए हम क्या कहेंगे, इट्स 9, सॉरी बच्चों, इट्स ये 9:30 का इस्तेमाल करेंगे, यहां पर मैंने किसका इस्तेमाल किया, क्वार्टर, क्वार्टर यानी कि 15 मिनट्स, 15 मिनट के लिए क्या है हम किसका इस्तेमाल करेंगे, क्वार्टर का इस्तेमाल करेंगे, इट्स ये 9:15 यानी कि 9:15 हो चुके हैं बच्चों, 15 मिनट हो चुके हैं। अब गौर कीजिए बच्चों अपने नेक्स्ट, इस तरीके से भी हम बता सकते हैं, इट्स 9:15 यानी कि 9:15, वक्त क्या हुआ है, 9:15 हो चुका है बच्चों। अब हम गौर करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, इट इज 9:15, पास के बदले में हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आफ्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब जो है ये ही होगा, यहाँ का ये पर ये का इस्तेमाल आप यहां भी कर सकते हैं, इट इज ये 9:15, ऐसा भी कह सकते हैं, इट इज 9:15, इस तरह भी आप बता सकते हैं, यानी कि 9:15, इट इज 9:15। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है बच्चों, 10 यानी कि पता 10:45, 10:45 को हम किस तरह अंग्रेजी में बता सकते हैं, ये भी गौर कीजिए बच्चों, 10:45 के लिए हम इट्स 10:45, 11 यानी कि 11 के इस्तेमाल, प्रोनाउंसिएशन आप गौर से बजे देख सुनिए बच्चों, प्रोनाउंसिएशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 11 11 किसके लेंगे, 11 नहीं कहेंगे बच्चों, 11 यानी के वो गलत होगा, 11 कहेंगे हम, क्या कहेंगे, 11, ओके। तो इट्स 10:45, ओके, इट्स 10:45, इट्स 10:45, क्वार्टर किसके लिए कहेंगे बच्चों, 11 होने के लिए कितने मिनट बाकी है, 15 मिनट बाकी है, 15 मिनट के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया, क्वार्टर। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस तरह भी हम कह सकते हैं, इट्स 10:45, 10:45 यानी के 10:45। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है बच्चों, इट इज 10:45 यानी के 15 मिनट है किसके लिए, 11 के लिए, 11 के लिए, ओके, 11 के लिए कितने वक्त, कितना मिनट बाकी है, क्वार्टर, 15 मिनट बाकी है,
यहाँ पर देखिए बच्चों, इस तरह से भी कह सकते हैं, 10:45 भी कह सकते हैं, इट्स 10:45 भी कह सकते हैं, इट्स 10:45 भी कह सकते हैं, इट इज भी कह सकते हैं। यहाँ पर मैंने कॉन्ट्रेक्शन का इस्तेमाल किया था, यहाँ पर मैं डिटेल में लिख रहा हूँ, उतना ही है बच्चों डिफरेंस। अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 8:35, यानी कि अंग्रेजी में हम किस तरह कह सकते हैं, इट्स 8:35, इट्स 8:35, 8:35, 8:35 जो है हो चुके हैं, इट्स 8:35। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है बच्चों, इस पर और थोड़ा गौर से एग्जाम्पल गौर कीजिए बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इट 25:09, यानी कि 25 मिनट बाकी हैं, बाकी हैं 25 मिनट हैं 9 होने के लिए, होने होने के लिए कितने मिनट बाकी है, 25 मिनट हैं। तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं बच्चों। आप आज मैं आपको ये कह देता हूं कि इस सबक को सीखना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी था, मैंने अच्छी तरह आपको बताया। और इस सेंटेंस के यानी कि इस वक्त बताने के लिए, टेलिंग टाइम के लिए मैं आपको दो एक्सरसाइज बता रहा हूं बच्चों। 8:35 जो है हम दो और तरीके से भी कह सकते हैं, वो आपको कमेंट में बताना है, कमेंट में आपको लिखकर भेजना है बच्चों। जो शख्स जो है पहले कमेंट करेगा, उससे मैं, उस बंदे से मैं फोन पर बात करूंगा और उस बंदे को एक छोटा सा गिफ्ट दूंगा, इंशाल्लाह बच्चों ये होगा 100%, मैं एक गिफ्ट दूंगा। जो बंदा जो है पहले, पहला बंदा जो कमेंट करेगा दो और तरीकों में, 8:35 लिखकर बताएगा। ओके, तो बच्चों गौर कीजिए। अब हम जो है इट का इस्तेमाल, यानी कि इट का इस्तेमाल एज ए सर्वनाम, यानी कि इसमें जमीर के हिसाब से हम इस्तेमाल करेंगे, प्रोनाउन के रूप में हम इट का इस्तेमाल करेंगे। ये भी हम बारीकी से अच्छी तरीके से हम समझ लेते हैं बच्चों। पहला क्या है, इट इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जिन चीजों का जान नहीं होता उनके लिए हम इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिविंग एनिमल्स, जिनके जिन जानवर जो जानवर के जो जान होते हैं उसके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने एक एक एग्जाम्पल पर, अच्छी तरह से समझेंगे हम एक एक एग्जाम्पल पर। तो गौर कीजिए बच्चों, नॉन लिविंग थिंग्स पहला जो है अपने लेसन का, आज के वीडियो का फोर्थ कॉन्सेप्ट, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज चार्जर, चार्जर का तो जान नहीं होता बच्चों, इसलिए हम क्या करेंगे, इट इज चार्जर, इट इज चार्जर, चार्जर के, चार्जर को तो हम जान नहीं दे सकते बच्चों। चार्जर जो है एक चीज है बच्चों, इसके लिए हम इसका इस्तेमाल किस तरह करेंगे, इट इज चार्जर। सब्जेक्ट जो है हम इट का इस्तेमाल करेंगे, इट इज चार्जर। तो और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इट इज माई वॉच, ये मेरी मेरी घड़ी है। अगर यहां पर मई का इस्तेमाल किस तरह हुआ है आपको पता नहीं है, तो मेरी वीडियो प्रोनाउन देख लें बच्चों, जो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, मेरी का इस्तेमाल यहां पर किस तरह होता है, मेरी यानी के मेरी वॉच है, मेरी घड़ी है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है बच्चों, इट इज स्पेक्स, ये चश्मा है, इट इज स्पेक्स यानी कि चश्मा, इट इज स्पेक्स चश्मा है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, उस पर भी गौर करते हैं बच्चों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, एनिमल का, एनिमल्स के लिए हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। एनिमल्स जो है कॉन्सेप्ट नंबर 5 है बच्चों, गौर कीजिए कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या है, एनिमल, एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए हम इट का इस्तेमाल करेंगे, वो किस तरह करेंगे ये भी देख लेते हैं बच्चों। आई हैव लव बर्ड्स, मेरे पास क्या है बच्चों, लव बर्ड्स हैं। इट इज वेरी क्यूट, वो किस तरह है बच्चों, वो बहुत प्यारे हैं, वो यहां पर मतलब क्या है बच्चों, वो, आई हैव लव बर्ड्स, इट इज वेरी क्यूट, वो बहुत प्यारे हैं। यहां पर मीनिंग क्या आया बच्चों, वो मतलब आया बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है बच्चों, माई फ्रेंड हैज ये डॉग, मेरे दोस्त के पास एक कुत्ता है बच्चों, कुत्ता है। माई फ्रेंड हैज ए डॉग, मेरे
मेरे दोस्त के पास जो है ये एक कुत्ता है। इट इज बार्क ए लॉट, लॉट यानी कि ज्यादा। वो भोगता बहुत है बच्चों, वो भोगता बहुत है। यहां पर डॉग जानवर है बच्चों, लव बर्ड्स यानी कि वो भी परिंदा यानी कि जानवर है बच्चों। जानवर के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इट का इस्तेमाल एज ए प्रोनाउन के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने सब्जेक्ट के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया था बच्चों, आई हैव लव बर्ड्स यानी कि नाउन का इस्तेमाल जो है मैंने सब्जेक्ट में इस्तेमाल किया था बच्चों। पहले सेंटेंस में मैंने नाउन का इस्तेमाल किया, फिर दूसरे सेंटेंस में मैंने इट यानी कि प्रोनाउन का इस्तेमाल किया। ओके, तो समझ आया बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी बहुत बहुत आसान है बच्चों, आपको अच्छी तरह इसको भी समझना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगर आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है नहीं जानते तो मेरी वीडियो जाइए, नाउन के वीडियो पर क्लिक कीजिए बच्चों, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है नाउन का वीडियो। नाउन के वीडियो में मैंने डिटेल में नाउन के बारे में बताया था और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ बच्चों। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं बच्चों। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है बच्चों, इट इज ट्रेंड नाउन यानी कि अब जो है फिलहाल चल रहा है, वो फैशन जो है चल रहा है, इसलिए मैंने ट्रेंड का इस्तेमाल किया। ट्रेंड को जो है एक नाउन है बच्चों, ट्रेंड जो है एक नाउन है जिसको हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, ओके, लेकिन महसूस कर सकते हैं। इट इज ट्रेंड नाउन। अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, इट इज फिक्शन। फिक्शन यानी कि जो भी बच्चे जो है बीए इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत आसान होगा बच्चों। जो फिक्शन जो है यानी कि कोई कहानी जो सच ना हो, इसको हम फिक्शन कहते हैं। इट इज फिक्शन। ओके, तो आप आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी बहुत आसान है बच्चों। इट इज द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। बच्चों इंग्लिश लैंग्वेज की ब्यूटी क्या है बच्चों, ये एक अल्फाज होगा, उसके तीन चार मीनिंग आएंगे जो है, तीन चार जगहों पर इसका इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि इट इज द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यही तो अंग्रेजी जबान की खूबसूरती है। ओके, समझ आया बच्चों। यानी कि यहां पर ब्यूटी, फिक्शन, ट्रेंड जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बच्चों। ये जो है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 6 था बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 7 यानी कि टाइम के लिए। इट इज टाइम टू रेडी यानी कि अभी वक्त है तैयार होने का। ओके, तैयार होने का वक्त हो चुका है यानी कि प्रेजेंट। इट इज टाइम टू रेडी, तैयार होना, तैयार वक्त जो है तैयार होने का वक्त हो चुका है। ओके, हो चुका है। इट इज टाइम टू मेक कॉफी यानी कि कॉफी बनाने का वक्त हो चुका है यानी कि प्रेजेंट, कॉफी बनाने का वक्त हो चुका है। अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर गौर कीजिए बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, इट इज टाइम फॉर अस टू स्पीक नाउ। अभी वक्त है, अब जो है नाउ यानी कि अब, अभी वक्त है कहने का। जो भी आपको डाउट होगा बच्चों इस वीडियो के एंड में आपको कमेंट पर बताना चाहिए बच्चों, ताकि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में या किसी और वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह जवाब दे दूंगा बच्चों। तो जो भी आपको डाउट आए वो जो है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं बच्चों। अगर और एक बात मैं गौर से बता देता हूं बच्चों यहीं पर, अगर कोई कॉन्सेप्ट जो है आपको अच्छी तरह समझ नहीं आया तो कुछ नहीं करना है बच्चों। पहली बार आपको इस वीडियो को पूरी तरह देख लेना है, फिर नेक्स्ट टाइम जो है आप डिस्क्रिप्शन में जाएं। डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो चैप्टर्स दे कर रखे हैं, जो है हर कॉन्सेप्ट के जो है मैंने अलग अलग कॉन्सेप्ट के चैप्टर दे रखे हैं बच्चों। मेरे हर वीडियोस में जो है आप चैप्टर्स देखेंगे। वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको समझ नहीं आता वहां पर जाइए और उस टाइमिंग पर क्लिक कीजिए, ताकि आप वहां पर इस वीडियो की उस वक्त पर जो है आसानी से पहुंच सकेंगे और उस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर से समझ सकेंगे बच्चों। आपको वीडियो एक ही बार में समझ नहीं आएगा बच्चों, आपको दो या तीन बार देखना पड़ेगा, तभी तो आप इस टॉपिक पर अपना पकड़ जो है अच्छी तरह बना सकते हैं। इट इज टाइम टू रेडी, इट इज टाइम टू मेक कॉफी, इट इज टाइम फॉर अस टू स्पीक नाउ। ओके, अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल पर देखते हैं बच्चों। इट इज टाइम फॉर लंच यानी कि दोपहर के खाने का, लंच का वक्त हो चुका है। समझ आया बच्चों, टाइम का कॉन्सेप्ट जो है आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर।
बच्चों गौर कीजिए, हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 8 क्या है बच्चों? 8 कॉन्सेप्ट नंबर क्या है? टेक, यानी कि इट के साथ टेक का इस्तेमाल किस तरह होता है और इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग यानी कि मानी क्या आता है बच्चों, ये भी हम गौर करते हैं बच्चों। यानी कि लगता है यहां पर टेक का मतलब जो है पेंसिल या उठाना नहीं है बच्चों, यहां पर लगता है का इस्तेमाल, लगता है के मतलब से हम इसका इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल की मदद से हम इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे बच्चों। गौर कीजिए बच्चों, इट टेक्स मी 2 आवर्स टू रीच कॉलेज, यानी कि कॉलेज पहुंचने के लिए 2 घंटे लगते हैं, लगता है। इट टेक्स मी 2 आवर्स टू रीच कॉलेज, यानी कि कॉलेज पहुंचने के लिए 2 घंटे लगता है बच्चों। मुझे किसको लगता है? मुझे लगता है इट टेक्स मी टू आवर्स टू रीच कॉलेज। इट टुक मी 5 मिनट्स टू ड्रेस अप, यानी कि मुझे ड्रेस पहनने के लिए 5 मिनट लगता था। इट टुक मी 5 मिनट्स टू ड्रेस अप, यानी कि मुझे कपड़े पहनने के लिए 5 मिनट लगा, यानी कि पास्ट टेंस जो है बच्चों, यहां पर टुक का जो इस्तेमाल है वी टू, यानी कि मैंने पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है बच्चों, जो कि टेक का है टुक, टुक जो है पास्ट फॉर्म है वी टू। टेक के साथ मैंने किसका इस्तेमाल किया बच्चों? यस का इस्तेमाल किया, क्योंकि सिंगुलर है बच्चों। आप गौर कीजिए बच्चों अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। इट विल टेक मी 30 मिनट्स टू फिल मार्क इन प्रोग्रेस रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट में मुझे मार्क्स फिल करने के लिए कितने वक्त लगेगा? 30 मिनट लगेगा, यानी कि विल फ्यूचर टेंस का है बच्चों। अपने गौर कीजिए बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, वीडियो के 9th कॉन्सेप्ट। इस वीडियो के 9th कॉन्सेप्ट को आप गौर से समझिए बच्चों। 9th कॉन्सेप्ट क्या है? इट्स, यानी कि ITS विदाउट कमा, इसका इस्तेमाल यहां पर मतलब क्या होता है बच्चों, ये भी गौर से समझिए बच्चों। पहला एग्जाम्पल क्या है? द लेमन जूस इज इन इट्स बॉटल, यानी कि लेमन जूस किसके बॉटल में है? अपने बॉटल में है, यानी कि अपने के लिए मैंने क्या किसका इस्तेमाल किया बच्चों? इट्स, लेमन जूस जो है उसके अपने बॉटल में है। इट्स का इस्तेमाल मैंने बॉटल बॉटल यानी कि जिसका जान ना हो, इसलिए मैंने इट का इस्तेमाल किया। यहाँ द आइस क्यूब इज इन इट्स ट्रे, आइस क्यूब जो है, आइस के जो है क्यूब्स होते हैं बच्चों, वो किस में है? उसके अपने ट्रे में है बच्चों। यहां पर इट्स का इस्तेमाल किस तरह आप होता है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया है बच्चों। इट्स का इस्तेमाल जो होता है, जो है उसके अपने, अपने का मतलब अपने का सेंस में जो है होता है बच्चों। द ट्यूबलाइट हैज इट्स ओन ब्राइटनेस, जो है ट्यूबलाइट की रोशनी जो है अपनी, उसकी खास रोशनी है, खुद की रोशनी है बच्चों, इसलिए मैंने ओन का इस्तेमाल किया। इट हैज यानी कि पास होना। तो आप आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है बच्चों? नेक्स्ट एग्जाम्पल पर गौर कीजिए बच्चों। इट्स इट्स यानी कि कॉन्ट्रेक्शन, कॉन्ट्रेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? इट इज भी हम कह सकते हैं, यानी कि इट हैज भी हो सकता है, दो मतलब आ सकते हैं बच्चों। हैज के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, इट इज के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। यहां पर आप फिलहाल गौर कीजिए बच्चों, फिलहाल के यहां पर क्या है? इट इज डाइटी क्लॉथ, यानी कि वो गंदा कपड़ा है बच्चों। वो क्या, कैसा कपड़ा है बच्चों? गंदा कपड़ा है। वो का इस्तेमाल जो है इट इज, इट्स के लिए मैंने यहां पर इस मैं नहीं, निकाल कर भी कह सकता हूं, इट्स ये डर्टी क्लॉथ, वो गंदा कपड़ा है। यहां पर गौर कीजिए बच्चों, इसका इस्तेमाल मुझे यहां पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा था। ओके, इट्स वेरी हॉट टुडे, आज बहुत बहुत गर्मी है। यहां पर कॉन्ट्रोडिक्टरी के रूप में हो रहा है बच्चों। इट इज के लिए मैंने कॉन्ट्रेक्शन क्या इस्तेमाल किया है? इट्स का कॉन्ट्रेक्शन इस्तेमाल किया है। अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। इट्स इज, इज का इस्तेमाल मुझे नहीं करना चाहिए, मैंने किस लिए इस्तेमाल किया? आपको बताने के लिए। यहां पर निकाल कर इट्स ये बैड आइडिया, ये खराब ख्याल था, यानी कि बुरा ख्याल था। बुरा जो है उर्दू में कहते हैं बच्चों बैड के लिए, और हिंदी में क्या कहते हैं? खराब, खराब ख्याल था, यानी कि विचार, विचार जो है आइडिया के लिए हम कहते हैं बच्चों। इट इज ये बैड आइडिया, यानी कि खराब ख्याल
बुरा विचार था। समझ आया बच्चों? अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? इट्स बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग का मतलब क्या है बच्चों? सुबह से लगातार बारिश हो रही है। सुबह से, सिंस का मतलब जो है बच्चों से, यहां पर इसका इस्तेमाल हैज हुआ है बच्चों, इट इज नहीं। यहां पर मैंने इट इज का इस्तेमाल किया था बच्चों, यहां पर क्या है? इट्स का मतलब जो है इट हैज। ओके, समझ आया बच्चों? यहां पर किसका मतलब है बच्चों? इट हैज का। इसको एक अलग कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये जो है मैंने टेंस के वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। यहां तक मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।